उसमें होगा कुछ ऐसे कि आपने कुछ हमें स्टोरीज बतानी है, उसमें क्या सच है क्या झूठ है हमें नहीं पता। 5 क्वेश्चन हर स्टोरी पे मैं आपसे पूछूंगा, आदि आपसे पूछेगा, और 10 स्टोरीज बाद हमने आपको बताना होगा कि सच है या ये झूठ है। आपको आयजा खान को पीछे छोड़ के थोड़ी एक्टिंग वाली आयजा खान हमें दिखानी पड़ेगी। उसके अच्छा। लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे इन्वेस्टिगेशन रूम में। आइए चलते हैं इन्वेस्टिगेशन रूम में। इंस्पेक्टर जॉन वेलकम। इंस्पेक्टर ज्योतिष वेलकम। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है सूजी बॉन्ग और इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये हमें सुनाएंगी कहानी और हम उसमें से गेस करेंगे कि क्या ये सच बोल रही हैं या ये हमसे झूठ बोल रही हैं। तो मिस आयजा बताइए पहली कहानी। मैं एक ड्रामे के सेट पर थी, शूटिंग के दौरान एक पाँव स्लिप हो गया और मैं गिर पड़ी। बस ऐसा लगा जैसे क़यामत आ गई, एक हंगामा मच गया। सारे क्रू मेंबर्स मुझे उठाने के लिए दौड़ आए। मैं अपने कुलीग्स के जज्बे से बहुत खुश हुई। फिर कुछ दिन बाद एक डायरेक्टर साहब सेट पर गिर गए और बेचारे काफ़ी देर वहीं पड़े रहे, मगर उन्हें उठाने कोई ना आया। झेपते कराते हुए खुद ही उठकर खड़े हुए। मैं ये देखकर अपने आप का कहा कि शुक्र करो कि आयजा खान तुम एक लड़की हो। मेरा पहला सवाल सूजी बॉन्ग से, क्या ये उस ड्रामे के सेट पे हुआ जो कि रिसेंटली बहुत हिट हुआ था? नहीं। जॉन तुम्हारा सवाल। मेरा पहला सवाल, क्या जब ये हुआ तो आपके शौहर आसपास थे? हाँ शायद यानी के बात कंफर्म नहीं है। जब आप गिरी तो क्या आपने देखा कि मेरा पैर किस चीज पे फिसला था? नहीं, क्योंकि अगर मैं देखा होता तो शायद नहीं फिसलती। अच्छा, इंटेलिजेंट सूजी वॉन्ग, होशियारी करने की कोशिश, गुड। ये बताइए कि जब आप गिरी तो क्या आपके मुंह से कोई आवाज निकली थी? किसी और की आवाज सुनाई दी थी। किसी और की आवाज सुनाई गई थी, यानी कि होश हवास में थी। क्या आपने ये जानबूझ के किया था ताकि आप देख सकें कि कितने लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं सेट पे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई जानबूझ के गिरता होगा। नहीं नहीं लगता। क्या कहीं ये सब आपने इसलिए तो नहीं किया कि आपको किसी सालगिरह पे जाना था जल्दी? नहीं। सिर्फ एक एक सवाल रह गया हमारे पास जॉन। 4 सवाल तुम कर सकते हो और 4 मैं कर सकता हूँ। 3 तुमने कर लिए और 3 मैंने पूछ ली। मेरा आखिरी सवाल बहुत अहम होना चाहिए। जिस दिन ये हुआ क्या उस दिन आप सेट पर लेट पहुंची? असल में मैं शायद पहुंची नहीं। शायद पहुंची नहीं, हर बात में शायद जरूर लग रहा है। गुड जॉन, मुझे ये बताइए कि जब आप गिरी तो उस वक्त आपके आसपास कितने लोग खड़े थे? कोई भी नहीं था शायद। कोई भी नहीं था। याद रखिए पहले कहानी सुनाते हुए इन्होंने कहा था कि अक्सर लोग, काफी सारे लोग जो वहां मौजूद थे वो मेरी तरफ भागे लपके पहुंचने की कोशिश की। जॉन मेरे ख्याल से ये कहानी सरासर झूठ पर मबनी है। जहां तक मैंने हिसाब लगाया है, पहला सवाल, दूसरा और तीसरा, चौथा, हाँ,
उसके अंदर जो लहजा इस्तेमाल हुआ है सही है, वो लहजा सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि हमें कहानी सच लगे, यानी कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। ये कहानी एकदम झूठी है। तो सोजी वॉन्ग, दोनों इंस्पेक्टर्स के मुताबिक ये कहानी झूठी है। अब आप हमें बताइए क्या ये सच है या फिर ये झूठ है। सच। इंस्पेक्टर ज्योतिष जी, जॉन आप किसी काम के नहीं। माशाल्लाह से जॉन आप भी किसी काम के नहीं। वेरी गुड, वेल डन। तो एक पॉइंट हो गया इनका जी, इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की और लाना थे हम दोनों पे। बहुत मुबारक हो। वेरी गुड, कोशिश करते हैं कि अगली कहानी हम पकड़ सकें। जी जी सुजी वॉन्ग, दूसरी कहानी। कहानी इतने बड़े पेज पे इतने कोने पे क्यों लिखी गई है? दिन बड़ा था, कहानी छोटी है। ओ। मैं पांच भाइयों की इकलौती बहन हूँ। 15 साल की उम्र तक बिल्कुल टॉमबॉय बनी रहती थी। मुझे जनाना खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन मोहल्ले के लड़के मेरे साथ क्रिकेट खेलते हुए एक लड़के ने मुझे पहली बॉल पर आउट कर दिया, तो मैंने गुस्से से बेकाबू होकर उसे बल्ला उसके सर पे दे मारा। उस लड़के के सर से 12 टांके आए और पुलिस केस बन गया। बड़ी मुश्किल से मेरी जान छुटी। जॉन, पहला सवाल तुम्हारा। पहला सवाल मेरा ये है, जब ये वाकया हुआ तो क्या आपने पहले ही सोच लिया था कि आप उसका सर फाड़ेंगी या गुस्से आने के बाद? मैं मारने की गर्ज से तो नहीं गई थी कहीं भी। जिस वक्त उस लड़के ने आपको आउट किया, आप कितने रन पर खेल रहे हैं? उसने जब मुझे आउट किया तो मैं कितने रन पे थी? मेरी बैटिंग बस शुरू हुई थी। ज्यादा रन नहीं थे जॉन, नोट किया जाए। कम रन पे आउट होने पे इनको गुस्सा आ जाता है। क्या उस लड़के से आपकी ऐसा तो नहीं हुआ कि बाद में मंगनी हुई हो, फिर टूटी हो और फिर उसी से शादी कर ली हो? जॉन, इंतहाई छिछोरे सवाल कर रहे हो। शुक्रिया ज्योतिष। अगला सवाल ये बताइए कि जब आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो वो हार्ड बॉल थी या वो टेप टेनिस थी? टेप टेनिस थी, हार्ड बॉल। टेप टेनिस थी। टेप टेनिस यानी कि गली मोहल्ले वाली क्रिकेट थी। ये बताइए कि लड़के का सर फटने के बाद उसके माँ बाप ने आपको या आपके घर वालों को क्या कहा? कीमती सवाल। 50 रुपए। उन्होंने कहा कि बच्चियां घर में अच्छी लगती हैं, रोडों पे सर फाड़ती हुई नहीं। ठीक है, तो ये बताइए कि क्या इस वाकये के बाद आपने दोबारा उस लड़के के साथ क्रिकेट खेली या नहीं खेली? मैंने उसके बाद क्रिकेट ही नहीं खेली। उसके बाद क्रिकेट, यानी के डरपोक। जॉन, जो लड़की किसी का सर फाड़ सकती है वो इतनी बात से डर नहीं सकती। वेल डन जॉन। एक एक सवाल रह गया। ये बताइए कि आप जब बैटिंग कर रही थी तो क्या आप उल्टे हाथ से बैटिंग कर रही थी या सीधे हाथ से? मैं हमेशा सीधे हाथ से ही बैटिंग करती हूँ। यानी कि मुल्ज़िम जो है वो राइटी है। वेरी गुड। आखिरी सवाल जॉन, मुझे ये बताइए कि जब ये वाकया पेश आया क्या इसके बाद मैच कंटिन्यू हुआ और क्या आप लोग वो मैच जीते या मैच हार गए? नहीं, उसके बाद मैच नहीं हुआ। यानी कि मैच पोस्टपोन हो गया, कोई नहीं जीत सका। क्या कहते हैं जॉन? लड़ाई के वक्त जब आपने सर फाड़ा तो क्या उधर कोई बुजुर्ग या बड़ा मौजूद नहीं था रोकने के लिए? ऊपर से एक खातून देख रही थी, वो मेरी अम्मी थी। अम्मी ने अपनी आंखों से अपनी बेटी को एक लड़के का सर फाड़ते हुए देखा। चश्मदीद गवाह हैं। क्या कहते हो जॉन?
क्या ये बात सच है या है? ये कहानी झूठ पर मबनी है? जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस क्रिमिनल का, वो पहले समंदर में जाके पानी में उतरता था, लेकिन शादी के बाद नहीं। इतना शातिर मुल्जिम है। उसने खुद बताया कि शादी से पहले उसकी चॉइसेस अलग थी, और शादी के बाद वो बहुत एक काम और शरीफ और क्यूट और सोबर सा इंसान बना। यानी कि मुल्जिम में तब्दीली आने रही, तब्दीली आ गई है। तो मुझे ये कहानी सुन के ऐसा लगता है कि ये कहानी सच है। जॉन, मुझे लगता है ये कहानी झूठ है, क्या कहते हैं? ज्योतिष, मुझे लगता है ये कहानी सच है। ठीक है, फिर हम अपने सीनियर ऑफिसर की बात पे जाएंगे कि ये कहानी सच पर मबनी है। क्या ये सच है? जॉन, लानत है, किसी काम के नहीं है आप और किसी काम का नहीं हूं मैं, क्योंकि आयजा खान ये राउंड जीत चुकी है। वक्त हुआ है ब्रेक का।